नमस्कार, एनएच न्यूज लाइन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सिलवासा टोकर खारा में एक पिकअप चालक ने युवक को मारी जोरदार टक्कर, युवक की घटनास्थल पर ही गई जान। दादरा नगर हवेली सिलवासा टोकर खारा स्कूल के पास रात लगभग 1 बजे के करीब तेज रफ्तार से जा रही पिकअप से सड़क के किनारे खड़े एक युवक को लगी जोरदार टक्कर। बताया जा रहा है कि 3 युवक उत्तराखंड से सिलवासा आए थे और इनको सिलवासा से मसाठ जाना था। टोकर खारा के पास सड़क के किनारे खड़े होकर ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रहा था। इसी बीच एक तेज रफ्तार से पिकअप आ रही थी। गाड़ी की तेज रफ्तार की वजह से ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो गया, जिसके कारण एक युवक को जोरदार टक्कर लगा। टक्कर लगने के बाद युवक सड़क के बीचों बीच गिर गए और पिकअप भी वहां पर पलटी हो गई। इस सड़क दुर्घटना में 18 वर्षीय दीपक की घटनास्थल पर ही जान चली गई। दीपक उत्तराखंड के रहने वाले थे और वह मसाठ जा रहे थे। दीपक के साथ में खड़े युवक ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने डीएनएच न्यूज लाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें ताकि दादरा नगर हवेली दमन दीव एवं आसपास के सभी खबरों से हमने आपको सबसे पहले रूबरू करवाता रहूं। धन्यवाद। सर हम तीनों आ रहे थे और पीछे से ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल बहुत तेज स्पीड में आया और हमें भागने का मौका मतलब हटने का मौका तक नहीं दिया। सर हम जैसे कि उत्तराखंड, सर हम रुके नहीं थे, हम रोड के साइड में जा रहे थे। ऑटो ना मिलने के कारण हम पैदल पैदल जा रहे थे। हाँ मतलब इंतजार रुके नहीं थे हम, तो पैदल चलते हुए आगे को भी जाते वक्त ज़्यादा हो गया था। इस कारण ट्रक वाले आए और सीधा आए, वो सीधा मतलब फुल स्पीड में, हाँ फुल स्पीड में, तो अपने कंट्रोल सीधा एक भाग रहा था, एक निकल के भागा तो मैंने उसको पकड़ लिया। दीपक ऋषिकेश उत्तराखंड, यहाँ हम मसाड़ में पुलिस चौकी के पीछे।